मैं जयंत कृपलानी हूँ एंड आई वेलकम यू टू दिस एपिसोड ऑफ रूट्स। रूट्स में हम मुंबई की स्पिरिट को एक्सप्लोर करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में शायद सब जानते हैं एंड द फैक्ट दैट मुंबई इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री, ये भी सब जानते हैं। लेकिन ये लोग शायद नहीं जानते कि MF हुसैन, तैयब मेहता, सूजा और रजा जैसे फेमस आर्टिस्ट मुंबई के ही हैं। और ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मुंबई हैज़ अ वेरी वाइब्रेंट आर्ट मूवमेंट। ये है काला घोड़ा। एक ज़माने में यहाँ एक स्टैचू हुआ करती थी, प्रिंस ऑफ वेल्स किंग एडवर्ड VII काले घोड़े पर सवार। 1965 में ये स्टैचू जीजा माता उद्यान में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन मुंबई आर्ट का परचम आज भी यहीं फहराता है, काला घोड़ा में। इन बॉम्बे ये ही आर्ट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ सब आर्टिस्ट आते हैं। जहांगीर आर्ट गैलरी है इधर, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है इधर, NGMA गैलरी है इधर, पेवमेंट आर्ट गैलरी है इधर। तो पिछले 10 साल से यही आर्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया है मुंबई का। काला घोड़ा के इंडोर आउटडोर पेवमेंट गैलरीज और एग्जीबिशन स्पेसेस एड अप टू 1 लाख स्क्वायर फीट। इट मेक्स द एरिया अ लिविंग ब्रीदिंग अर्बन म्यूजियम। और इस अर्बन म्यूजियम का सेंटरपीस है द जहांगीर आर्ट गैलरी। द जहांगीर आर्ट गैलरी इंडिया का सबसे फेमस आर्ट गैलरी है। इसे 1952 में सर कावस जी जहांगीर ने मुंबई आर्ट के डेवलपमेंट के लिए बनवाया था। ये गैलरी जो है पूरे भारत में प्रसिद्ध है और सब भारतीय ने, सब विश्व के चित्रकार है वो जो चाहते हैं कि जहांगीर में मेरा एक दो शो हो जाए। यहाँ एग्जीबिशन की बुकिंग के लिए आर्टिस्ट की होड़ लगी रहती है। जहांगीर आर्ट गैलरी के सारे अफेयर्स को मैनेज करता है द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी। साल में कम से कम 1800 एप्लीकेशन आते हैं और हम 168 लोगों को दे सकते हैं। कभी कभी हम 1800 में निकालते कभी कभी 300 भी हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, बाकी जो रहते हैं ना उनको वेटिंग लिस्ट पे रखते हैं। जहांगीर आर्ट गैलरी में एग्जिबिट करने की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि धीरे धीरे काला घोड़ा के आसपास कई और आर्ट गैलरीज आ गईं। द एरिया वॉज जस्ट राइट टू बी टर्न्ड इनटू मुंबई आर्ट डिस्ट्रिक्ट। काला घोड़ा एसोसिएशन ने इस जगह की काया बदल दी। द एंटायर एरिया हैज बीन फुल्ली रिस्टोर्ड। कल तक के ड्रग्स का अड्डा आज आर्ट का गढ़ बन गया है। और एक बारी वो रेस्टोरेशन वर्क जब से स्टार्ट हुआ उसके बाद हमने धीरे धीरे जहाँ की लोगों को जानकारी मिले इस एरिया की, ये आर्ट फेस्टिवल स्टार्ट किया। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल बहुत ही पॉपुलर है। काला घोड़ा का बरस में एक फेस्टिवल होता है, वो आर्टिस्ट लोगों के लिए होता है और वो आर्टिस्ट लोगों के बड़े बड़े स्टॉल देते हैं और उनका स्टॉल में सब पेंटिंग लगा के एग्जीबिशन काला घोड़ा करते हैं। लेकिन शायद काला घोड़ा की सबसे बड़ी उपलब्धि है जहांगीर आर्ट गैलरी के पास के इलाके को पेवमेंट आर्ट गैलरी में डेवलप करना। वी फील आर्ट इज फॉर एवरी पर्सन। तो जो इंसान हु कैन नॉट अफोर्ड अ गैलरी स्पेस कैन कम टू आवर पेवमेंट आर्ट गैलरी एंड एट अ वेरी वेरी नॉमिनल कॉस्ट डिस्प्ले देयर पेंटिंग्स। काला घोड़ा आर्टिस्ट के लिए बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि ताकि हम लोग जहांगीर आर्ट गैलरी और मुजियम आर्ट गैलरी में लगा नहीं सकते क्योंकि उधर बहुत रुकना पड़ता है और उनका भाड़ा बहुत है। यहाँ तो हमको कम पैसे में पेंटिंग लगाना पड़ता है। ये तो काला घोड़ा ने आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा काम किया है। पिछले 10 साल से ये एरिया हैज़ बिकम
the art district of Mumbai, and I hope that we are able to take it to a greater level with many more art galleries opening up aur log idhar aayenge aur festivals hoenge. Ye pura street mein har time halchal rahega, yahi hamari aasha hai. काले घोड़े के अलावा हम हुसैन साहब के घोड़ों को बखूबी जानते हैं. हुसैन साहब के लिए घोड़ों के कूलों में ऐसी नजाकत और एलिगेंस है जो किसी खूबसूरत लेडी के ग्रेस से कम नहीं. वहीं घोड़े के अगले हिस्से में अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की पावर, शक्ति जो अपनी फ्री विल से जहां चाहे जा सकते हैं, वैसे ही जैसे हुसैन साहब की पेंटिंग. मुंबई के आर्टिस्ट पर मुंबई का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है. सम आर इंस्पायर्ड बाय इट्स पीपल, सम बाय द सफोकेटिंग ट्रैफिक, एंड सम इवन बाय द केओस दैट कैन बी मुंबई. बट किसी न किसी तरह मुंबई फाइंड्स एक्सप्रेशन इन द वर्क्स ऑफ द आर्टिस्ट्स ऑफ मुंबई. हाउ, व्हाई, लेट्स फाइंड आउट. पेंटर बोस कृष्णमाचारी केरला से मुंबई आए. जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में उन्होंने पढ़ाई की और उनकी कलरफुल पेंटिंग्स पे वाइब्रेंट मुंबई की अमिट छाप है. मुंबई हैज एन एनर्जी व्हिच इज काइंड ऑफ, इट इज काइंड ऑफ मल्टीपल एनर्जी. डिफरेंट पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लिविंग हियर, दे शेयर अ डिफरेंट परसेप्शन इन अबाउट लाइफ. वो लाइफ सीखने को ज़्यादा मुंबई में मिलेगा. Mumbai has given me everything. I have done different kinds of work, you know, dabba wala ke upar kaam kiya. It's like it is, the dabba itself is a kind of an icon. It is about food, it's about survival, it is about everything. So it is almost like a kind of symbol hai. Symbol, Mumbai ke ek symbol bolne ko bolega tum, I won't say gateway of India. I would say dabba, dabba. It reflects the character of the people, why people are here, for survival. So वो डब्बा रख के मैंने बहुत कुछ काम किया है. आई मीन दैट इज बीन एक्सिबिटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. कृष्णमाचारी बोस की तरह सुदर्शन शेट्टी ने भी जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई की. उनकी फॉर्मल ट्रेनिंग तो पेंटिंग में हुई, लेकिन स्कल्पटिंग और इंस्टॉलेशन आर्ट में उनकी रुझान बढ़ती गई. Hugely influenced by Mumbai ke chote businesses, its workers, craftsmen and artisans. If you walk down any streets in Bombay, you know, the ideas come at you, and there's such a barrage of ideas, and I believe that, you know, one of my exercises back in the studio is to kind of sieve through those ideas and find a sense of sanity through this dystopic kind of magnitude of the experience that you can have even in a single day. I was at a residency, you know, years ago in Pittsburgh, and there it was winter and it was snowing. All I could do is go to supermarkets and look for objects, which was like really difficult, and it was completely alien because you have to go looking for an idea. Whereas in Bombay it comes even if you are sitting at home. There's a lot of the spirit of information is from the city of Mumbai in that sense. चिरदीप चौधरी मुंबई बेस्ड फोटोग्राफर हैं. करीब 15 साल पहले फ्लोरा फाउंटेन के पास एक सेकेंड हैंड किताबों की दुकान पे उन्होंने लाइफ मैगजीन की कुछ तस्वीरें देखी और फोटोग्राफर बन गए. इनके आर्ट पर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस, यू गेस्ट इट राइट, मुंबई. The local trains, I mean Bollywood, these are things which are not my Bombay at all. For instance, the waterfronts is something which is very Bombay for me. The series of pictures on the graffiti inside the local trains of Bombay, which was a show about, the idea was really looking at how we look at how women deal with public spaces and women and public spaces and things like. शिल्पा गुप्ता एक यंग इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट है. अपनी आर्ट में शिल्पा मल्टीमीडिया और वीडियो का पुरजोर इस्तेमाल करती हैं.
और उनके आर्ट में भी सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है इनसिक्योरिटी के बीच फंसी कंटेम्प्रेरी मुंबई की जिंदगी का। बॉम्बे रियली लाइक फॉर मी यू नो ट्रेन्स है, बॉम्बे ट्रेन्स है, बिकॉज उसमें आप चलते हो और लाइक ये एक्सपीरियंस है कि आप निकलो ट्रेन से एंड सडनली आप एक जन हो जाते हो, जबकि यू आर सराउंडेड बाय हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो चर्चगेट स्टेशन में निकल के एक के बाद एक के बाद इतनी सारी ट्रेन आती है एंड यू बिकम वन इन द सी ऑफ पीपल। One of the greatest names in modern Indian art, Tayyab Mehta, वो भी मुंबई करते हैं। उनकी एक पेंटिंग सेलिब्रेशंस सोल्ड फॉर अ वॉपिंग 1.5 करोड़ रुपीज, ब्रेकिंग ऑल रिकॉर्ड्स अमंगस्ट इंडियन पेंटर्स। तैयब साहब ने अपनी पेंटिंग्स में ह्यूमन कंडीशन से जुड़े कई सवाल उठाए, लेकिन आज उनके डेथ के बाद भी अ लॉट ऑफ देम आर स्टिल अनआंसर्ड। आज हम एक ऐसे आर्टिस्ट को प्रोफाइल करने जा रहे हैं जो मल्टीफैसेटेड हैं। 1975 में उन्होंने एक फिल्म बनाई विच वॉज नॉमिनेटेड फॉर मेनी अवार्ड्स। वो एक पेंटर भी हैं एंड अ म्यूजिशियन, लेकिन इनके सितार की झनकार ज़्यादा पावरफुल है या पेंटिंग के स्ट्रोक्स, दैट इज स्टिल ओपन टू डिबेट। लेट्स गो एंड मीट मधुसूदन कुमार। हमारे जो चित्रकार हैं मधुसूदन, वो कर्नाटक से आते हैं और कर्नाटक में उन्होंने बचपन से ही पोर्ट्रेचर यानी पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर दिया था, बल्कि उनको 14 साल की उम्र में ही एक पुरस्कार भी मिला था। हम लोगों का बचपन बहुत खूबसूरत बचपन था। मेरे पिताजी तो जर्नलिस्ट थे, पब्लिशर थे, राइटर थे, फिर एक आर्टिस्ट को भी वो एम्प्लॉय कर रहे थे। उनको मैं देखा इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, कुछ कार्टून टाइप का कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसी टाइम से मेरा ड्राइंग का बहुत ये स्टार्ट हुआ। वहाँ पे खेत होती थी नीचे, तो वहाँ पे वो भैंस होती थी, ये होती थी, सब वो फार्मर्स होते थे, उनको मैंने बनाया। अपनी पेंटिंग के शौक को पूरा करने के लिए मधुसूदन कुमार आ पहुँचे मुंबई। मेरे एक कज़न सिस्टर बॉम्बे में रहती थी उस ज़माने में, उनका हस्बैंड ITO थे इधर, तो उन्होंने कहा कि मुंबई चलो, तो वो मुझे यहाँ ले आए और यहाँ से मेरा शुरुआत हुई बॉम्बे से। 1975 में उन्होंने एक फिल्म बनाई कादम्बरी। कहानी थी सुप्रसिद्ध लेखिका अमृता प्रीतम की। फिल्म में म्यूजिक दिया विलायत खान साहब ने और फिल्म के कलाकार थे विजय अरोड़ा और शबाना आजमी। ये आपके आने का टाइम है? पहले तो कॉलेज में देर हो गई, फिर देखो ना ये फूल खिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, देखो अभी तक नहीं खिले। उसी साल कादंबरी फिल्म फेयर अवार्ड्स के 5 कैटेगरीज में नॉमिनेटेड हुई थी और ये सब मुंबई आने की वजह से ही संभव हो पाया था। लेकिन इस दौरान भी मधुसूदन कुमार का सितार से लगाव कम होने के बजाय बढ़ता गया, यहां तक कि उस्ताद विलायत खान साहब की शागिर्दी में उन्होंने सालों तक तालीम ली और फिर जैसे दोनों आर्ट फॉर्म मिल से गए, सितार की झंकार और पेंटिंग्स के स्ट्रोक्स ने जुगलबंदी शुरू कर दी और मधुसूदन साहब की पेंटिंग एक नए धुन में गाने लगी। उसमें आंख नाक कान महत्वपूर्ण नहीं है, फिगर भी महत्वपूर्ण नहीं है, केवल आकृति का आभास देती हैं, यानी आकृतियां हैं लेकिन आभास मात्र, तो ये उनकी विशेषता रही है। ही हैज दैट स्ट्रोक्स पावर, ही हैज नॉट एक्सप्लोर्ड इट फुली, लेट मी टेल यू, ही हैज नॉट एक्सप्लोर्ड इट, आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, बट द टैलेंट ही हैज नॉट एक्सप्लोर्ड दैट। मुंबई में जिंदगी तोड़ मरोड़ कर हमारे सोल को अपनी जड़ों में जकड़ कर क्रश कर देती है, लेकिन मुंबई का आर्ट हमारे सोल के एग्जिस्टेंस को एहसास दिलाता है, कहता है जान अभी बाकी है मेरे दोस्त।